हेलो क्लास थर्ड, वेलकम टू एरुडाइट स्कूल ऑफ लर्निंग। सो इन आवर लास्ट क्लास वी हैव फिनिश्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.3 एंड हियर कम्स नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो बिफोर दैट वी जस्ट लर्न अ वेरी इजी टॉपिक, हाउ टू फॉर्म ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। ओके, सो वी वर ऑन पेज नंबर 15 and we need to start a new topic called forming greatest and smallest number। कुछ digits बच्चों हमको दी जाएगी, उन digits का इस्तेमाल करके हमें greatest number मतलब सबसे बड़ा number बनाना है जो possible हो, और उन्हीं digits का इस्तेमाल करके हमें smallest number भी बनाना है जो possible हो। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि जो भी digits हमको दी जाती हैं उसका greatest number बनाने की trick क्या होती है। So to form the greatest number, rearrange the digits in descending order। पहली चीज़ हमने क्या सीख ली कि किसी भी गिवन डिजिट्स का हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको जमा देते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब बड़े से छोटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चों एक्सरसाइज में ग्रेटेस्ट नंबर ही निकालेंगे। पहले एक चीज़ सीखते हैं, वो क्या होती है ग्रेटेस्ट नंबर निकालना, वो कैसे निकालते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को जमा के मतलब बड़े से छोटा, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। इस तरह से हम ग्रेटेस्ट नंबर निकालते हैं गिवन डिजिट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा के। ठीक है, सो द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट, सपोज अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो आपको चार डिजिट दे रखी हैं, 1, 9, 6 और 8। ठीक है, और कंडीशन क्या है, आपको फोर डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए मतलब एक ही बार इस्तेमाल करनी है। और आपको उसका क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है जो भी इन चार को डिजिट को यूज़ करके बन सकता है, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सिंपली इन चारों नंबर में सॉरी चारों डिजिट में जो सबसे बड़ी डिजिट होती है उसको पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी, और बन जाता है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब कुल मिला के अगर आपको डिजिट दी गई हैं तो आपको क्या करना है, उनको सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है मतलब बड़े से छोटा की तरफ जमाना है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट जमाना है। तो आपके पास क्या बन जाता है, ग्रेटेस्ट नंबर बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में या फिर इस एग्जांपल में हमको चार डिजिट दी हुई हैं। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो काउंटिंग में बाद में आता है वो बड़ा होता है, ब से बाद में, ब से बड़ा। ठीक है, तो जो बाद में आएगा वो बड़ा होगा, तो यहाँ पे 9 जो है वो 1, 6 और 8 इन तीनों के बाद में आता है। ठीक है, तो 9 क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो 9 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर 9 का काम हो गया, अब हमको रिपीट तो करना ही नहीं है। कंडीशन क्या है, एक भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है मतलब जैसे एक का काम हो जाए उसको बाहर निकाल दो। अब कौन बचा, 1, 6 और 8। ठीक है, तो 1, 6 और 8 में से कौन बड़ा हुआ, 8 बड़ा हुआ, क्योंकि काउंटिंग में 8 बाद में आता है, काउंटिंग हम सभी को आती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1 और 6 के बाद 8 आया, तो 8 सबसे बड़ा हुआ इन तीनों में, 1, 6 और 8 में, तो फिर 8 लिख दिया। अब कौन कौन बचा, 1 और 6 बचा, तो 1, 6 में कौन बड़ा है, 6, तो फिर 6 को लिख देंगे और फिर 1 को लिख देंगे, तो हमारा नंबर क्या बन गया, 9861। तो इस तरह से बच्चों हम गिवन डिजिट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के बड़े से छोटे की तरफ, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ लिख के ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज 1.4 में बच्चों सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाना सीखेंगे, फिर हम स्मॉलेस्ट नंबर पे आएंगे। ठीक है, सो यू हैव टू राइट सी डब्ल्यू एंड डेट ओवर हियर, सी डब्ल्यू डेट आपको यहीं लिखनी है, बुक में ही करेंगे क्वेश्चन, बहुत ईजी है। ठीक है, हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है इसलिए अब हम कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको नंबर बनाना है। ठीक है, सो आपका पहला क्वेश्चन है 1, 5, 4, 2, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन होगा 1, 5, 4, 2 में, है ना, अब हमको देख के ही पहचान जाना चाहिए क्योंकि फर्स्ट क्लास से हम सीखते आ रहे हैं कि सिंगल डिजिट को कैसे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो 5 यहाँ पे सबसे बड़ा है, यहाँ पे 1 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, कौन, 5। तो सबसे पहले 5 हम लिखेंगे, जैसे ही 5 का काम हो जाता है इसको हटा दो। अब कौन बचा, 1, 4 और 2। ठीक है, 1, 4, 2 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो अब हम 4 को लिखेंगे क्योंकि हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स ओनली वंस, एक ही बार इस्तेमाल करना है हर डिजिट को और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर ही बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बनाएंगे बच्चों,
कौन कौन से नंबर बचे हैं, 1 और 2। 1 और 2 में कौन बड़ा होता है, 2, तो हम 2 को पहले लिखेंगे। अब लास्ट में कौन बचा, 1, तो अब हम 1 को लिख देंगे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने बड़े से छोटे की तरफ इन सारे डिजिट को लिख दिया, तो बन गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। यह होती है ट्रिक ग्रेटेस्ट नंबर बनाने की। सेकेंड क्लास में हम क्या करते थे, दिए हुए नंबर के बहुत सारे नंबर बनाते थे और फिर पता लगाते थे कौन सा ग्रेटेस्ट है। लेकिन अब हमने ट्रिक सीख ली क्या, कि किसी भी गिवन डिजिट्स को अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें, बड़े से छोटे की तरफ लिख दें, तो वो क्या हो जाता है नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर बन जाता है। मतलब इन चारों डिजिट का यूज़ करके सबसे बड़ा नंबर कोई बन सकता है, तो वो ये है 5421। ठीक है, अब हम बनाएंगे सेकंड वाली ग्रेटेस्ट डिजिट, सेकंड क्वेश्चन की ग्रेटेस्ट डिजिट। 5, 6 और 9 में सबसे बड़ा कौन है, 9 साफ दिख रहा है, तो हम क्या लिख देंगे सबसे पहले, 9। 9 का काम हो गया, इसको हटाओ। अब कौन बचा, 5 और 6। ठीक है, 5 और 6 में कौन बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है, तो 6 को पहले लिखेंगे। अब 6 का भी काम हो गया, अब कौन बचा लास्ट में, 5, तो 5 की स्पेस ही खाली है इस बार, तो 5 हम लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम बड़े से छोटे की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा के ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं, बहुत ईजी है। फिर से हमें बड़े की छोटे, क्योंकि हम ग्रेटेस्ट नंबर ही निकाल रहे हैं सबसे पहले, तो हमें बड़े से छोटे की तरफ ही जाना है। अगेन आपको पता करना है, एनालाइज करना है, 4, 3, 8 और 7 में से सबसे बड़ा कौन है, 8, तो पहले क्या लिखेंगे हम, 8। ठीक है, अब 8 का काम हो गया, तो कौन बचा, 4, 3 और 7। ठीक है, तो 8 के बाद हम क्या लिखेंगे, 7। ठीक है, अब कौन कौन से नंबर बचे हमारे पास, 4 और 3। अब 4 और 3 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो हम 4 लिख देंगे, और फिर लास्ट में 3 जो बचा हुआ है। कुल मिला के बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर निकालते समय आपको सिर्फ बड़ा ढूंढना है, बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा उसको हम लिखते जाएंगे। ठीक है, और जिसका काम होता जाएगा उसको आउट करते जाएंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, 6, 8, 7 और 5। ठीक है, फिर हमको क्लियरली दिख रहा है कि 6, 8, 7 और 5 में से सबसे बड़ा कौन हुआ, 8 हुआ, क्योंकि 5, 6, 7 और फिर 8 आता है काउंटिंग में, तो 8 सबसे बड़ा हुआ, तो 8 को हम लिख देंगे। अब 8 का काम हो गया, इसको हटाओ। अब कौन कौन बचा, 6, 7 और 5, तो 6, 7 और 5 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, क्योंकि 7 काउंटिंग में 5 और 6 के बाद आता है। ठीक है, तो ब से बाद में, ब से बड़ा, हमें सिर्फ बड़ा ही तलाशना है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब 7 का भी काम हो गया, 8 का भी काम हो गया, बचा कौन, 5 और 6, तो 5 और 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 को हम पहले लिख देंगे, और फिर लास्ट में क्या लिख देंगे हम, 5। ठीक है, इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कौन कौन से नंबर है, 3, 2, 1 और फिर 9। ये 3, 2, 1 तो आपस में ही जमे हुए हैं, बड़े से छोटे में, बस 9 अलग से लिखा हुआ है। हमको क्लियरली दिख रहा है बच्चों, 3, 2, 1 और 9 में सबसे बड़ा कौन होगा, 9, तो 9 को हम पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 9 का काम हो गया, इसको हटा दो। अब कौन बचा, 1, 2 और 3, तो 1, 2, 3 में कौन बड़ा हुआ, 3 बड़ा हुआ, क्योंकि 3, 2 और 1 दोनों के बाद में आता है, जो बाद में आएगा वही बड़ा होगा, तो यहाँ पे बड़ा कौन हुआ, 3। अब बचा कौन, 2 और 1, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा, तो 2 को पहले लिखेंगे और फिर 1 को लिखेंगे। हमको कुल मिला के ग्रेटेस्ट नंबर लिखते समय सिर्फ बड़े को ढूंढना है, बड़ा कौन है, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना है, बड़े से छोटे की तरफ हमको लिखना है। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज 9, 6, 0, 7। ये 4 डिजिट आपको दे रखी है। ठीक है, फिर से हमको क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इन चारों डिजिट में सबसे बड़ा कौन हुआ, 9 सबसे बड़ा हुआ, क्लियरली हमको दिख रहा है, और वैसे भी 1 डिजिट नंबर्स में 9 सबसे बड़ा होता ही है। उसके बाद हमको क्या लिखना है बच्चों, 9 का काम हो गया, इसको हटाओ, क्योंकि एक टाइम पे एक ही डिजिट यूज़, हमको एक नंबर बनाते समय एक डिजिट को एक ही बार इस्तेमाल करना है। अब कौन बचा हमारे पास, 6, 0 और 7। अब 7 0 से भी बड़ा है और 7 6 से भी बड़ा है, तो 7 इन तीनों में सबसे बड़ा है, तो 7 को हम पहले लिख देंगे। ठीक है, और लास्ट में कौन कौन बचे, अब 2 जने, 6 और 0, तो 6 और 0 में कौन बड़ा होगा, 6 ही बड़ा होगा, 0 तो सबसे छोटा होता है। ठीक है, मतलब से लास्ट में क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि 0 सबसे छोटा होता है। तो बड़े से छोटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने चारों डिजिट को लिख दिया, तो ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, नाउ
दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, आपको आज केवल ग्रेटेस्ट नंबर ही बनाना सीखना है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाना सीखेंगे, और लास्ट क्वेश्चन आते आते एक ट्विस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो आएगा। स्मॉलेस्ट नंबर का मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ, ग्रेटेस्ट नंबर में हम क्या करते हैं, बड़े से छोटा लिखते हैं, मतलब बड़ा बड़ा ढूंढते हैं हमेशा, ठीक है। लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय हम क्या करेंगे, सिंपली छोटे से बड़ा जाएंगे। मतलब ग्रेटेस्ट नंबर बनाते समय तो बड़े से छोटा लिखना है, और स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय छोटे से बड़ा लिखना है, ठीक है। सो दिस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू, एंड प्रैक्टिस हाउ टू मेक ग्रेटेस्ट नंबर्स आउट ऑफ गिवन डिजिट्स, ठीक है। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास विल टेक ऑन दिस स्मॉलेस्ट नंबर। सो टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।